नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वाक्य विचार के बारे में बात कर रहे थे, और वाक्य विचार हैं उसमें जो है हम उसके वाक्य की परिभाषा और उसके अंग और रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ चुके हैं। और आज जो है हम अर्थ के आधार पर तो हो गए थे, हमारे रचना के आधार पर भी हो गए, आज हम पुनः मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो सीखा है उसमें हम कितना जो है कर पा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, राम आया किंतु श्याम चला गया। देखिए ये अर्थ के आधार पर वाक्य है, वो किस प्रकार का वाक्य ये हो सकता है। तो देखिए, राम आया किंतु श्याम चला गया, हमारे को ये ध्यान रखना है कि इसमें किस प्रकार के वाक्य आए हैं। तो सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे तो ये दोनों सरल वाक्य हैं, और दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम जो है वो कौन कर रहा है, किंतु कर रहा है। तो ये किंतु जो है ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे राम आया किंतु श्याम चला गया, मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य हो और दोनों वाक्यों के बीच में और, तथा, परंतु, किंतु इस प्रकार के जो है संयोजक चिन्हें आ जाए तो वो हमारा वाक्य जो है कैसा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य किस प्रकार का होगा, संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। अब आगे देखिए, वाह तुम आ गए। मैंने कहा था विस्मय बोधक जो है चिन्ह, ये अर्थ के आधार पर हम वाक्य पढ़ रहे थे। उस समय जो हमने देखा था कि जिस वाक्य में आश्रय, शोक, गिरना, दुख आदि प्रकट होता हो और विस्मय बोधक चिन्ह भी आता है तो वो वाक्य कैसा होगा, विस्मय बोधक वाक्य होगा। कैसा होगा, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। तो ये हमारा वाक्य जो है कैसा होगा, विस्मय बोधक वाक्य। अब देखते हैं अगला, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तीसरा वाक्य पर ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के पीछे आ जाए तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न का बोध हो रहा है, वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है या प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये किस प्रकार का वाक्य होगा, प्रश्नार्थक वाक्य होगा। कैसा होगा, प्रश्नार्थक वाक्य। अब ध्यान दीजिए आगे, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि अध्यापक उनके हित की बात करते हैं। सभी विद्यार्थी जानते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाक्य जो है देख रहे हैं, ये प्रधान वाक्य हैं, क्योंकि इससे आगे जो है ये की आया है, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि अध्यापक उनके हित की बात करते हैं। ये जो सेकंड वाक्य है ये आश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है, ये आश्रित वाक्य है, और यह वाक्य जो है ये किसके ऊपर निर्भर है, प्रधान वाक्य, आगे वाला जो वाक्य आया है। हमारे मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये हमारे मन में जिज्ञासा है कि अगला वाक्य इसी को पूर्ण कर रहा है, तो ये इसके ऊपर आश्रित है। क्या है, आश्रित है, इसलिए ये किस प्रकार का वाक्य होगा, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है उस पर आश्रित कोई अन्य उपवाक्य हो तो वो आपके कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उसके ऊपर निर्भर कोई अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर जो है संज्ञा मिश्रित उपवाक्य हम कह सकते हैं। तो ये आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला चौथा है, तीन तक हमारे हो गए हैं, चौथा हो गया है, और अगला पांचवा प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिए, आपका जीवन मंगलमय हो। यहाँ पर जो है इच्छा प्रकट की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में आपका जीवन क्या हो, मंगलमय हो, यहाँ पर जो है ये इच्छा प्रकट की जा रही है। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो वे वाक्य किस श्रेणी में आएगा, इच्छार्थक वाक्य में। किस प्रकार का वाक्य होगा विद्यार्थियों, इच्छार्थक वाक्य। अब आगे देखिए छठा वाक्य, हम छठे वाक्य को देखते हैं, शायद मैं भी जयपुर जाऊं, शायद मैं भी जयपुर जाऊं, या हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि मैं जाऊंगा,
लेकिन शायद आया है, इसलिए इसमें कहीं न कहीं क्या है, संदेह प्रकट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संदेह। एकदम हम पक्का नहीं कह सकते हैं, इसलिए यह वाक्य किस में आएगा? जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट की जाती है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेहार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। अगला सातवां वाक्य है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। देखो विद्यार्थियों, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो सभी विद्यार्थी या सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, इसमें एक आज्ञा या आदेश का बोध हो रहा है। और मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश आदि का बोध होगा वह वाक्य किस श्रेणी में आएगा? आज्ञार्थक वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा? आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, उपदेश, इसमें आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। उसके बाद में अगला हमारा जो आठवां वाक्य है, मौन घर पर नहीं है। मौन घर पर नहीं है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था ना कि जिस वाक्य में नहीं आए यानी निषेध का बोध होगा, मना हो किया जाएगा, वो वाक्य कैसा होगा? निषेधात्मक वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा? निषेधात्मक वाक्य। तो ध्यान दीजिए, जिस वाक्य में किसी कार्य के संबंध में निषेध का बोध होगा उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। कैसा वाक्य कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। यदि अगला नवा वाक्य लेते हैं, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। देखिए विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था यदि और तो, अक्सर ये यहाँ पर जो है अर्थ के आधार पर वाक्य किस प्रकार का होगा? यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी, यदि और तो दोनों शब्द आए हैं। यदि ऐसा होता, यदि राम पढ़ाई करता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, यहाँ पर एक शर्त रखी गई है। तो ये जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होगा वो संकेतार्थक वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा? संकेतार्थक वाक्य होगा। तो यहाँ पर एक शर्त रखी गई है, संकेत किया जा रहा है, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो इरादा रास्ती। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये संकेतार्थक वाक्य है। अगला वाक्य देखिए विद्यार्थियों, राम ने कहा है कि आज मुझे घर जाना है। राम ने कहा है कि आज मुझे घर जाना है। इस वाक्य में राम ने कहा है, यहाँ तक जो है राम ने कहा कि, या राम ने कहा कि आज मुझे घर जाना है, ये प्रधान वाक्य है। हमारे मन में जिज्ञासा है तो ये वाक्य भी मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। ये प्रधान वाक्य है। और इसके बाद में जो अगला ये वाक्य है कि आज मुझे घर पर जाना है, ये कैसा वाक्य है? ये इसके ऊपर आश्रित है। इसलिए विद्यार्थियों, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है तो वो वाक्य किस श्रेणी में आता है? मिश्र वाक्य में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और अब कुछ हम जो है, हम पहले पढ़ चुके थे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद, उनसे संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका हमने पुनः मूल्यांकन किया है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न जो है आपको बता देते हैं और सभी ध्यान देवे। अब वाक्य के जो है अंग कितने होते हैं, प्रश्न आ जाए कि वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो आपको ध्यान देना है, हमने पढ़े थे वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने होते हैं? दो अंग होते हैं। कौन कौन से हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। तो वाक्य के जो अंग हैं वो कितने माने गए हैं? दो माने गए हैं। कौन कौन से वाक्य के दो अंग हैं? तो ध्यान दीजिए सभी, पहला जो है वो होगा
क्या होगा? उद्देश्य। और दूसरा कौन सा है? विधेय। तो ये वाक्य के अंगों की हम बात कर चुके थे। वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा उसे हम उद्देश्य कहेंगे, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो विधेय कहलाएगा। ये वाक्य के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। और उसके बाद में आपके अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। हमने बात कर चुके थे हम, तो कौन कौन से जो हैं अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं उनका देखिए। आपको याद करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक भी आप बना सकते हैं। तो आपको याद करने के लिए 8 भेद हैं, कौन कौन से हैं उसको आप याद कर सकते हैं, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो आप उसके लिए जो है एक विनिया प्र ई सं स वी, इस प्रकार से जो है आप 8 भेदों को याद कर सकते हैं। पहला है आपको याद करने के लिए वी से है विधानार्थक वाक्य। कैसा वाक्य? विधानार्थक वाक्य। पहला वाक्य होगा हमारा विधानार्थक वाक्य। अब ने लिखा है, ने का अर्थ है निषेधात्मक वाक्य। कैसा वाक्य? निषेधात्मक वाक्य। आपके जो है इसमें निषेधात्मक वाक्य वी नी आ से है। तीसरा वाक्य जो है यहाँ पर आ से है आज्ञार्थक वाक्य। क्रम से याद कर सकते हैं आज्ञार्थक वाक्य वी नी आ प्र। प्र का मतलब है यहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य। कैसा वाक्य? प्रश्नार्थक वाक्य। उसके बाद में अगला है पांचवा इच्छार्थक वाक्य। कैसा वाक्य? इच्छार्थक वाक्य। और उसके बाद में आपके जो है अगला इच्छार्थक के बाद में दो शब्दों है, एक आपको याद रखना है संदेहार्थक और एक संकेतार्थक। तो यहां पर ध्यान दीजिए 6 नंबर पे संदेहार्थक वाक्य। कैसा वाक्य? संदेहार्थक वाक्य। और अगले हम 7 नंबर की बात करें तो संकेतार्थक वाक्य। कैसा वाक्य? संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य। और उसके बाद में वी से है विस्मय बोधक वाक्य। कैसा वाक्य? विस्मय बोधक वाक्य। इनकी परिभाषाओं की हम बात कर चुके थे। विधानार्थक में किसी बात का होना या करना पाया जाएगा उसे हम विधानार्थक वाक्य कहेंगे। निषेधात्मक में किसी कार्य के संबंध में मनाही होगी उसे निषेध किया जाएगा, यानी राम घर पर नहीं है, मोहन बाहर मत जाओ, इस प्रकार के वाक्य निषेधात्मक में आएंगे। आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा या आदेश उपदेश का बोध होगा। प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्न का बोध होगा। इच्छार्थक वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है। संदेहार्थक में संदेह या संभावना प्रकट की जाती है। संकेतार्थक वाक्य जो है इसमें संकेत या शर्त का बोध होगा। विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मय शोक हर्ष घृणा इस प्रकार के जो है बोध होगा, इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं भावों का बोध होगा उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 13वां, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो यहां पर जो है रचना के आधार पर वाक्य का हमने बात की थी 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया था। पहला है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य? सरल। इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो सरल या साधारण वाक्य, साधारण वाक्य।
उसके बाद में अगला जो है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य तीसरा वाक्य है वो है मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य? मिश्र, इसको मिश्रित भी बोलते हैं, तो मिश्र वाक्य। ध्यान दीजिए, सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो, दोनों वाक्यों के बीच में और तथा परंतु किंतु आदि शब्द संयोजक शब्दों से जुड़े रहे वो संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान वाक्य होता है, उस पर आश्रित कोई अन्य उपवाक्य हो तो वो मिश्र वाक्य होता है। विद्यार्थियों, अब जो है हम आगे की कक्षा में बात करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।